महानगर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नालों की सफाई व रेगुलेटरों की जांच करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम की ओर से की जा रही सफाई व अन्य कार्यों पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी ने 4 जून में निगरानी रखने के लिए 4 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। ये अधिकारी अलग अलग जोन में नालों की तल्ली झाड़ सफाई और अन्य कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर 2 जून तक रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। नगर निगम द्वारा महानगर में बहने वाली 230 नालों की सफाई अभियान का भौतिक निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव लगातार साफ सफाई व्यवस्था को परखने के लिए स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत रविवार को डीएवी डिग्री कॉलेज के समीप बहने वाले नाले की नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सफाई अभियान को जांचने पहुंचे। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने एरियम सिटी को नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सफाई अभियान की जानकारी दी। इस संबंध में एरियम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे नाला सफाई अभियान के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर भौतिक निरीक्षण करने के साथ साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दिशा निर्देश दिया गया है। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया कि मानसून को देखते हुए नगर निगम महानगर में आने वाले सभी छोटे बड़े 230 नालों की तल्लीझाड़ सफाई करा रही है, जिससे शहर में किसी प्रकार की जल जमाव नहीं होने पाए। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, नगर निगम के सुपरवाइजर और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी एवं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। चलो पैंट उतारो नीचे चल जाओ। देखिए, हमारे महानगर में 4 जोन है। 4 जोन में हमारे 230 नाले हैं, जिसमें हमारे 11 सबसे बड़े नाले हैं, इसके बाद से 96 हमारे मझोले नाले हैं और 123 हमारे छोटे नाले हैं। इस समय हमारे 80 लोग काम कर रहे हैं, जो 4 जोन में बढ़कर 20-20 की संख्या में हर नाले पे बड़े पे मझोले पे लगे हुए हैं। छोटी नालियाँ हमारी जो हमारे वार्ड के कर्मचारी उनके द्वारा कराया जा रहा है, और हम लोग का उद्देश्य यही है कि 15 जून के पहले, अभी तो हमारा भी साइक्लोन आया था, देखा अपने देखा होगा कि कहीं में शहर में जल भराव नहीं हो पाया, तो हम लोग का विशेष फोकस है कि नालियाँ की तल्लीझाड़ सफाई हो जाए, जिससे पानी का फ्लो लगातार बना रहे और पानी कहीं भी पूरे महानगर में कहीं जल जमाव होने की स्थिति न पैदा हो, इस चीज़ को रोक सकें। वही जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश पर मैं आज शहर के सारे नालों को, जो बड़े नाले हैं, उनको देखने के लिए डॉक्टर रस्तोगी जो हमारे इंचार्ज हैं नगर निगम विभाग के, उनके साथ ज्वाइंट विजिट पे हम लोगों ने सारे नालों का विजिट किया है, ताकि 15 जून से पहले इन नालों की सिल्ट को हटाया जा सके और बरसात के पानी आने से पहले नालों की सफाई करके जब पानी बरसेगा तो वो आसानी से फ्लो करके शहर से बाहर निकल जाए, ताकि किसी भी प्रकार की लॉगिंग ना हो और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन फैलने का डर ना हो।